सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्मी शर्मा व्लॉग्स। पहले तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन जिन ने मेरा चैनल को लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था और शेयर किया था। टू बी ऑनेस्ट, इतना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था जितना आप लोगों ने प्यार दिया है। वही प्यार अपना आगे कंटिन्यू रखना, आगे वाली वीडियोज़ में नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए। बाकी अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मुझे अच्छा लगता है उनको रीड करके। सो ज़्यादा टाइम नहीं आपका लोगों का वेस्ट करूँगा, कम टू द पॉइंट। आज की वीडियो जो होने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, वो होने वाली है हमारे मोटो व्लॉग सेटअप के लिए। प्लस जो मैंने एक नया अपना हेलमेट परचेज किया था उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा। पहले बात करेंगे हम अपने हेलमेट के, तो मैं अपना हेलमेट दिखा देता हूँ जो मैंने परचेज किया है। सो ओके गाइस, पहले हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने हेलमेट की। देखो मैं आपको पहले बता दूँ, मैं बड़ा इंपेशेंट गाय हूँ। मैंने डब्बा वब्बा इसका पहले ही मैं खोल चुका हूँ, इसे ऑलरेडी डब्बा में फेंक चुका हूँ। मेन जो है देखो हेलमेट से मतलब होना चाहिए, हेलमेट हमारा ये रहा, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे, और अपना अपना सजेशन बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट ज़रूर डालना कि आपको क्या लगता है। सो ये रहा हमारा हेलमेट एमटी का ब्लेड 2। तो ये कुछ इस टाइप का हेलमेट है, आप देख पा रहे होंगे। पहले एक काम कीजिए, आप सिनेमैटिक एंजॉय करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू। अच्छे लगे होंगे, कम टू द पॉइंट। हेलमेट ये मैंने ऑनलाइन परचेज करा, इसका लिंक मैं आप लोगों को डाल दूंगा। बाकी मैंने क्यों परचेज किया उसका रीज़न मैं शॉर्ट में बता दूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना हमें ज़्यादा। एक तो इसके लुक्स जो हैं, प्लस ये मैट फिनिशिंग में, प्लस जो इसकी पैडिंग्स है वो रिमूवेबल है, ये बेसिक है। डबल वाइजर में ये है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डबल वाइजर में है। प्लस इसका ये जो वाइजर है ये मैंने एडिशनल इसमें कंपनी हैंड से परचेज करा था। जो करंट आता है वो आपका ट्रांसपेरेंट आता है, जैसे ये है, तो ये मैंने स्मोक वाला मंगाया था, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा है, तो ये कुछ इस टाइप का था, तो अब इसे रख देते हैं। बाकी ये मैंने स्मोक वाला मंगाया था, प्राइसिंग वगैरह की बात लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हेलमेट, मैं आपको एक बार पहन के दिखा दूंगा, तो आप उसका रिव्यू बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। सो ओके गाइज, ये मैंने हेलमेट पहन लिया है, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है हेलमेट, साइड से कुछ ऐसा व्यू है इसका, ठीक है, पीछे से कुछ ऐसा व्यू है। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा हेलमेट, लुक वाइज भी हल्का सा साइज छोटा है मेरे को, बट ठीक है यार, जब हम स्पीड में चलाते हैं तो मेंटेन रहता है, ज़्यादा हिलता नहीं हेलमेट। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों की क्या सजेशन है, ठीक है। सो ओके गाइस, ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमें चाहिए होती है अगर हमें मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 4 से 5 आइटम्स हैं, डिटेल सारी इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस बार, ठीक है, तो आप उसमें से चेकआउट कर लेना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए चिन माउंट, जो हेलमेट माउंट होता है ये बेसिकली, ये वाला मैंने वैसे तो आपको उन लोगों ने देखा होगा, लोग यूजुअली चिपकाते हैं उसे, बट मैंने वो इसलिए नहीं मंगाया कि उससे क्या है ना, हेलमेट जो है ना, हेलमेट का जो ऊपर का पेंट वगैरह होता है या मैट पैकिंग वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। ईजी टू यूज़ है, आराम से लगाओ, अभी मैं आप लोगों को दिल लगा के दिखाऊंगा। लगाने के बाद हिलता भी नहीं है और यूनिवर्सल है, इस हेलमेट से दूसरे में लगा लिया, उस वाले को लगाएंगे वो एक हेलमेट स्टिक हो जाता है, ठीक है। एक तो आपकी ये चीज़ होगी, सेकंड उस पर आते हैं, सेकंड हमें क्या चाहिए, ये रहा मेन चीज़ जो हमें चाहिए, जिसके बिना हमारी व्लॉगिंग ही नहीं होने वाली। तो ये क्या है मैं बता देता हूँ, ये है हमारा GoPro, ठीक है, मेरा जो GoPro है, GoPro 10 है ये, ठीक है। क्यों लिया उसका रीज़न भी आप ये शेयर करूँगा आपसे, इसमें क्या क्या मुझे मिल जा रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, एज यूजली जैसे चिन माउंट कर लूँ या हेलमेट के ऊपर माउंट करना है, जैसे भी करना चाहता हूँ, ये चीज़ होगी। और मैं इसकी बात कर रहा था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, कि ये जो चीज़ है ना, ये 3M की जो लेयर होती है, ये चिपक तो जाता है एक बार, पर ये वन टाइम है, नेक्स्ट टाइम इसे आफ्टर सम टाइम हम उतारेंगे ना तो ये चिपक जाता है, पेंट वेंट रिमूव होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लगाया नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इस पर जाना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। एडिशनल क्या है, इसमें 2 बैटरियाँ मिली है मुझे, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 बैटरीज मिली है मेरे को, ठीक है। और ये इसके साथ मुझे इसका चार्जर मिला है बैटरी चार्ज करने का, देख पा रहे हैं 2 स्लॉट है इसमें, ठीक है। ये चीज़ है, केबल इसकी येरी नीचे, येरी केबल, ठीक है। एंड थर्ड इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, खुलता कैसे है, इसमें SD कार्ड, ये देखिए, ये इसमें मुझे SD कार्ड भी मिला था, ठीक है, वो पैकिंग में से कहीं गिर गई है तो मैंने इसमें डाल दिया था, मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सा है, 64 GB का है ये, इसमें ऐसे जाएगा,
ये चला गया इजी। एंड देन ये आपकी बैटरी, बैटरी इसमें स्लॉट में इजी टू यूज़ है, यहाँ जाएगी ऐसे और ये हो गया आपका बंद, इजी टू यूज़ है। सेकंड, इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, उलानजी का हमारे को इसका केस कवर चाहिए अपने गोप्रो की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि कुछ इस पैटर्न का आता है, देख पा रहे हैं ये केस अपनी गोप्रो की प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर आप थोड़ा पैसा लगा रहे हैं और कल को गिर भी जाए तो प्रोटेक्शन पर्पज़ से है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे को ये चाहिए, ये है हमारा एडाप्टर। ये अडाप्टर किस चीज़ का है, ये हमारे माइक के लिए अडाप्टर है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा, ये जो हमारा माइक है इसके ये अडाप्टर है। इससे क्या है, जो हमारी साउंड क्वालिटी है ना, आउटर जो आपकी नॉइज़ होती है उसे कैंसिलेशन करता है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं बोलूँगा बट काफ़ी मतलब जो साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा जब मैं इसका रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सारी एक्सेसरीज़, ठीक है, जो हमें बेसिक चाहिए, ठीक है। अब आ जाते, अब हम इसे माउंट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये असेंबल, अब इसे असेंबल करके मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो ये आपको केस को कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन देगा, सिंपल टू यूज़ है, यहाँ से खुला और इसको यहाँ से हमने दबाया, प्रेस किया तो ये यहाँ से खुल गया, ठीक है। अब हमने अब GoPro इसमें डालेंगे, GoPro का पहले ये खोल देंगे, क्योंकि अगर इसे डाल देंगे तो ये होता नहीं है, तो इसे ईजी टू, ये बस आराम से निकल जाता है। इसे निकाला, इसको हमने इसमें डाला, रुको पहले बैटरी तो डाली नहीं, सॉरी, ये आपने इसमें डाली बैटरी, ये गई बैटरी, ये गया हमारा GoPro अंदर, ठीक है। ये यहाँ से किया बंद, यहाँ से किया बंद, ठीक है। अब हमारा GoPro तो सेट हो गया है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडाप्टर, ठीक है। एडाप्टर कैसे जाएगा इसमें आपको लोगों को बता देता हूँ। एडाप्टर को हमने डालना है इसमें यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये यहाँ गया, ठीक है, देन ये गया अपना यहाँ, ठीक है। अब हो गया, अब बचा हमारा माइक। माइक जो है, माइक हमारा यहाँ लगेगा, बट उससे पहले हम इसे अपने हेलमेट के अंदर करेंगे, ताकि इसकी आउटर जो तार है ना, वो हम बाद में परेशान ना करें। तो अब हम चलते हैं अपने हेलमेट पे, हेलमेट को लेके आते हैं, रुको ये सारा हटाऊँ अब। सो गाइस, ये हमने यहाँ पे करा अपना हेलमेट, ठीक है। अब इसको, ये रिमूवेबल पैडिंग है, इसको यहाँ से हमने हटाया, ये देखो क्लैंप लगा हुआ है। तो हम अपना माइक इसमें यहाँ फंसाएंगे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये माइक मैंने डाला यहाँ पे इसके अंदर। आवाज़ आराम से पकड़ ले, कि अगर हवा वगैरह की भी आवाज़ आएगी तो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। और ये मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और इसको मैंने करा ये यहाँ पे बंद, ठीक है। ये हो चुका है हमारा रेडी, ये आ गया हमारा बाहर, ठीक है। अब हम करेंगे अपना GoPro माउंट इस पे। ओके गाइस, ये देख पा रहे हैं आप, ये मैंने इसमें माउंट कर दिया, सिंपल टू यूज़ है, क्लैंप लगे हुए, खींच के आपको बस करना है, इजी टू यूज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमारा ये जो GoPro है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, ये हमने लगा दिया। और करना क्या है, बस ये एज अ जैसे स्क्रू की तरह हम टाइट करते हैं, इसे सिंपल टाइट करना है, ये हो गया टाइट। अब ये माइक का ये जाएगा इसके अंदर, और ये हमारा हो गया मोटो व्लॉगिंग सेटअप खत्म। ये मैंने हेलमेट पहन लिया है, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन होगी हो, क्योंकि आज यू कैन सी कि अंधेरा हो चुका है, बट स्टिल ट्राई करेंगे। अब मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, इसे चला के दिखाता हूँ, और आप लोग मुझे रिव्यू देना कि आप लोगों को कैसा लगा। अब बाइक को राइड करते हैं और फिर देखते हैं इसका कैसा व्यू आता है, एंड इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो इसका कुछ इस टाइप का रिव्यू आ रहा है, बाकी अभी नाइट टाइम हुई है तो नाइट में व्यू दिखा देता हूँ, बाकी आपको डे में तो दिखाई दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का देखने में लग रहा है ये, नहीं लगा रहे, ये जीनो सो
गाइस, वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को प्राइसिंग बता दूं। जैसे कि मैंने बोला था एंड में बताऊंगा, तो प्राइसिंग में बता देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ हेलमेट से। हेलमेट जो मेरे को कॉस्ट करा है वो करा है 7500 रुपीज़ का। लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। प्लस जो उसका वाइज़र मैंने एडिशनल मंगाया था वो मुझे कॉस्ट करा था 1200 रुपीज़ का। ठीक है, 1200 का मुझे वो कॉस्ट करा था। और अब अगर मैं GoPro की बात करूँ तो वो मुझे कॉस्ट करा है 41000 का, जिसमें मुझे चार्जर इंक्लूड था और मुझे मेमोरी कार्ड 64GB वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, एंड दो बैटरी भी इसके साथ साथ में मिली हैं। तो ये तो था ही, और उसके साथ 42 का ये हो गया। 1200 रुपये का उलाम जी का जो केस था उसका, वो मैंने मंगाया था, वो 1200 रुपये का मुझे पड़ा था। और उसके बाद और क्या लिए रखा था हमने, और क्या था, हाँ जो चिन माउंट था, हेलमेट माउंट था, वो मेरा था 1200 रुपये का। ठीक है, बाकी मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इजी होगा देखने के लिए। ठीक है, और जो माइक था, माइक मैंने 500 रुपये का लिया था और वर्थ इट है, बढ़िया लगा मुझे। और आपने क्वालिटी तो देख ही रहे हैं आप कैसी है इसकी। ठीक है, मेन जो है इसमें अडाप्टर भाई, वो देखने में छोटा सा है पर बड़ा महंगा है, आपको सच बता रहा हूँ मैं। 4500 का सिर्फ वो अडाप्टर है यार, छोटा सा, बट लिटरली क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, एडिशनल कोई नॉइज़ नहीं आ रही, कोई अननेसेसरी की नॉइज़ नहीं है, क्वालिटी फार बेटर है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे पिछले वाली लगी थी। लाइक टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का अपना चैनल है, तो जितना प्यार हो सके उतना इस चैनल पे प्यार बरसाओ अपने। सब्सक्राइब वाले को जितना पेल सकते हो पेलो सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। सी यू, टाटा, बाय बाय।